हर हर महादेव गाइस, जय माँ पार्वती, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित माखीजा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रुद्राक्ष वर्सेस भद्राक्ष, दोनों में फ़र्क क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे खरीदने से पहले या फिर आप अभी पहन रहे हैं तो दोनों में से आप कैसे पता करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल दूँ, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, दोनों में डिफरेंस करना बहुत ही टफ है एक आम आदमी के लिए। तो कैसे उसको पता करें ये बहुत टफ हो जाता है। तो अब बाज़ार में पूछने जाओगे वो भी मतलब चीटिंग होना बहुत ही आसान है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों के पेड़ वगैरह भी आइडेंटिकल हैं, दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। हाँ, जब वो दोनों टूटते हैं पक जाते हैं तो वो थोड़ा अलग कलर का होता है, वो भद्राक्ष ग्रीन कलर का होता है, वो थोड़ा अलग कलर का होता है। तो दोनों में डिफरेंस करना बहुत टफ है, पर फिर भी ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आप जहाँ तक बच सकें बच जाएं और देख लें कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो आप कौन सा लें, कैसे लें, ये सब हम एंड में बात करेंगे, बस वीडियो में आप बने रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है जो हमेशा रहती है, वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें जो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड है। और हाँ, अगर आप इंस्टा पर कुछ बात करना चाहते हैं तो इंस्टा आईडी आपको दिख रही है, इंस्टा पर आप फॉलो कर सकते हैं। वो बिना फॉलो करे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आंसर करना लंबा टफ हो जाता है, तो वो सीक्रेट भी नहीं होता, तो वहाँ पर थोड़ा सीक्रेटली भी अपन बात करेंगे। तो बस वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, दोनों में आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा रुद्राक्ष है और कौन सा भद्राक्ष है, दोनों के पेड़ भी आइडेंटिकल होते हैं, नहीं पता कर सकते हम। जो भद्राक्ष है वो आपको इंडिया रीजन के नीचे मिल जाएगा, साउथ वगैरह की तरफ और श्रीलंका की तरफ, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रुद्राक्ष वो तो खैर ऊपर भी मिल जाता है आपको हिमालयन रीजन्स में, और सबसे जो फेमस है आप जानते हो इंडोनेशिया का जावा का और नेपाली रुद्राक्ष, इन दोनों को बहुत ज़्यादा दर्जा दिया गया है, यहाँ के जल्दी इफेक्ट दिखाते हैं, एनर्जी लेवल पे हाई होते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू शिव पुराण जो रुद्राक्ष है वो राउंड शेप का होना चाहिए, थॉर्नी होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, बिग होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रुद्राक्ष है ये शिव पुराण के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रुद्राक्ष और भद्राक्ष दोनों का शिव पुराण में मेंशन है, बोला गया है कि जो रुद्राक्ष है वो आइडेंटिकल भाई है भद्राक्ष का, बस थोड़ा इन्फीरियर है उससे, तो जो रुद्राक्ष है वो सुपीरियर बताया गया है। तो अब हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जब भी आप लेने जाओगे देखोगे या फिर अभी ऑनलाइन देखोगे आपके पास है तो आप डिफरेंस कैसे पता कर सको। देखो, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें नेचुरल होल नहीं होता। किस में? भद्राक्ष में। जो रुद्राक्ष है उसमें भी नेचुरल होल किसी किसी में पाया नहीं जाता, ये शिवपुराण के अकॉर्डिंग है कि शिवपुराण में बोला गया है जो मेन मेड होल किए जाएंगे उसके अंदर रुद्राक्ष के अंदर वो इन्फीरियर हो जाएगा, और जो नेचुरल होल होंगे वो सुपीरियर, सबसे सुपीरियर क्वालिटी होगी। तो किसी किसी रुद्राक्ष में, नेपाली रुद्राक्ष हो चाहे इंडोनेशिया का हो चाहे हिमालयन रीजन्स का ऊपर का, तो जो रुद्राक्ष है वो अगर नेचुरल होल उसमें होता है तो वो सुपर क्वालिटी, अगर नेचुरल होल करना पड़े तो वो थोड़ी उससे नीचे की क्वालिटी, और जो भद्राक्ष है उसमें तो नेचुरल होल आता ही नहीं है तो वो इससे सबसे इन्फीरियर क्वालिटी है रुद्राक्ष के भाइयों में। सेकंड डिफरेंस की हम बात करते हैं तो जो रुद्राक्ष है, जैसे आप पंचमुखी लो, चारमुखी लो, तीनमुखी लो, इस पे जो लाइन है उतने ही अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, जब आप एक्सरे करोगे तो उतने ही होंगे, जैसे तीनमुखी के अंदर तीन छेद होंगे अंदर, पाँचमुखी के अंदर पाँच होंगे, लेकिन भद्राक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई छेद नहीं आता, कुछ नहीं होता, वो सिंगल होता है, बस उस पर जो लाइन होती है वो होती है। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे, जो रुद्राक्ष है वो शिव पुराण के अकॉर्डिंग राउंड होना चाहिए, थोड़नी होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, टफ होना चाहिए, वहीं भद्राक्ष आपको राउंड नहीं दिखेगा, वो थोड़ा ओवल शेप का होगा या ऊपर से पॉइंटेड होगा नीचे से फ्लैट होगा, इस तरह आपको भद्राक्ष मिलेगा। जो उसके थोन्स हैं वो भी इतने प्लेन एंड स्मूथ नहीं होंगे जितने रुद्राक्ष के होंगे, जब आप दोनों हाथ में लोगे तो आपको पता लग जाएगा थोन्स दोनों पे होंगे, पर जो रुद्राक्ष के हैं वो बहुत प्लेन एंड स्मूथ होंगे, इसके नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं टफनेस की, जो टफनेस है वो रुद्राक्ष की होगी, भद्राक्ष की नहीं होगी, वो थोड़ा लाइटर साइड पे होगा, ऐसा आपको पता नहीं लगेगा लेकिन वो थोड़ा लाइटर साइड पे होगा, जब आप दोनों हाथ में लेंगे तब आप फील करेंगे तब आपको पता लगेगा वो थोड़ा लाइटर साइड पे भद्राक्ष, और जो रुद्राक्ष है वो टफर होता है, वो थोड़ा मजबूत होता है और थोड़ा मतलब हैवी दिखता है भद्राक्ष के कंपेयर में। फोर्थ पॉइंट है जो काजू बीड चलता है वो भद्राक्ष वाला, उसमें क्या होता है जो दोनों साइडें होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं, ये भद्राक्ष की निशानी है कि दोनों जो उसकी साइड है वो पॉइंटेड है, रुद्राक्ष का इसका अपोजिट होता है। तो ये कुछ वे थे जो पता कर सकते हैं कि रुद्राक्ष और भद्राक्ष में क्या है। अब इसके बाद बाजार में चलता है कि जो कॉपर है उसके बीच में अगर हम टेस्ट करें, दो भद्राक्ष है जो रखें या फिर रुद्राक्ष रखें, तो भद्राक्ष नहीं घूमता, रुद्राक्ष घूमता है, ऐसा कुछ नहीं, आप खुद करके देखना, किसी की भी मत सुनो, दोनों ही रोटेट होंगे क्योंकि ये साइंटिफिक है। कॉपर कॉइन के बीच में कुछ भी होगा तो वो मूव होगा, ठीक है। दूसरा है वाटर टेस्ट की, ऐसा बोला जाता है कि अगर रुद्राक्ष को आप पानी में डालो तो वो बिल्कुल सिंक हो जाता है, और जो भद्राक्ष है वो धीरे 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 सिंक होता है। देखो, ये टेस्ट है, कहीं ना कहीं ये टेस्ट है, लेकिन ये बिल्कुल
पूरी तरह फुल प्रूफ नहीं है कि ऐसा हो। कहीं कहीं रुद्राक्ष ऐसा होता है कि डूबता ही नहीं है, लाइट वेट हो जाता है, तो कहीं कहीं रुद्राक्ष जो है वो धीरे धीरे भी जाता है, कोई रुद्राक्ष एकदम डूब जाता है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है पहचानने का कि रुद्राक्ष ये रियल है या नहीं है। जो डिफरेंस मैंने आपको बताया वो पॉइंट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये वाला भी कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ इसी के दम पे आप रुद्राक्ष खरीद लो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही फुल प्रूफ हो। तो ये कुछ वे थे जिसमें आप पता कर सकते हो कि डिफरेंस क्या है रुद्राक्ष और भद्राक्ष में। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए लेते वक्त, या क्या है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारा मिक्सचर है आप देख लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं, लोग आजकल बनाने वाले इतने बारीकी से काम करने लगे, इतने स्मार्ट हो गए कि आप पता ही नहीं कर सकते कि ये रुद्राक्ष कितने मुखी का रियल था। कभी पंचमुखी को 6 बना देते हैं, 7 बना देते हैं, कभी जोड़ के बना देते हैं, यहाँ तक कि कंपार्टमेंट जोड़ देते हैं। बहुत ही मतलब एक्सरे बिल्कुल कीचड़ कर रखा है, तो ये पता करना बहुत ही टफ है, ठीक है। अब रही आप बोलोगे लैब टेस्ट वगैरह, मैं आपको अपने सिटी की एक दुकान की बात बताता हूँ, नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं उस दुकान पे गया, मैंने कहा मुझे लैब सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसका, तो उन्होंने कहा आपको जितने चाहिए उतने मिलेंगे, 10-10 रुपये में बनवा दूँगा आपको। मतलब इतनी बड़ी बात बोली, और उन्होंने विद स्माइल बोली, वो थोड़े टर्म्स अच्छे हैं तो उन्होंने खुल के ये बात बोल दी मुझे, लेकिन वैसे कोई दुकानदार ऐसे बताता नहीं है। तो उन्होंने कहा आपको जितने भी चाहिए 10-10 रुपये में मैं आपको दिलवा दूँगा। तो लैब सर्टिफिकेट जो है वो मतलब ऐसा है, देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप डिस्करेज हो या लैब सर्टिफिकेट फर्जी होते, नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि इतने लेवल पे लोग चले गए हैं। और बहुत चीज़ें फेवी कुछ स्टिक से चिपकाना, बारीकी से काटना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक हो गया काम ना मामला, तो पता करना ये बहुत टफ है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहला पॉइंट, आप जेन्युइन बायर से लें। अब वो कैसे ढूंढें, ये आपको ढूंढना ही पड़ेगा। अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ऑनलाइन बहुत से जेन्युइन सेलर्स हैं, तो आपको उन सेलरों को पकड़ना है, उनसे पूछना है, उनसे लेना है, ठीक है। फिर एट लास्ट आप लैब टेस्ट ले सकते हैं। अगर आप अपनी सिटी से ले रहे हैं तो आप उसका बैकग्राउंड देखें कि मार्केट में उसकी क्या इज्जत है, आप उसको जानते नहीं जाते हैं, या जो उसको जानता हो उसको उसके साथ ले जाएं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। जाते ही लैब टेस्ट मत मांग लेना, लैब टेस्ट एंड में मांगना, पहले आप ये सब चीज़ें पूछ लेना, कर लेना, ठीक है। तो ये एक तरीका था कि आप इस तरह आप ले सकते हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी रुद्राक्ष को। जो भद्राक्ष आने की चांसेस हाई हो जाते हैं वो कुछ रुद्राक्ष, जिसमें एक मुखी ऐसा रुद्राक्ष जिसमें हाई चांसेस है कि आपको भद्राक्ष मिलेगा या उसका सब्स्टिट्यूट मिलेगा। क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष अगर किसी को मिला तो वो सेलर आपको तो नहीं बेचने वाला, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष इतना रेयर है कि वो आपको नहीं बेचेगा, वो अपने पास ही रखेगा। तो एक मुखी रुद्राक्ष तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको रियल मिल रहा है। अब कहीं मिल रहा है, कोई दावा कर रहा है, पता नहीं वो कैसे कर रहा है, तो बहुत महंगा होगा, लाखों में होगा, ये सस्ते में तो नहीं मिलेगा आपको, हज़ारों में। इसी तरह दो मुखी रुद्राक्ष भी है जो थोड़ा हो जाता है, लेकिन मिल जाते हैं, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, नेपाली वगैरह की 20-30 हज़ार, 40 हज़ार। अब आपको 200-500 रुपये में मिल रहा है, मुझे नहीं लगता वो ओरिजिनल है, क्या पता वो सेलर आपको पसंद करता हो इसीलिए दे रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे रुद्राक्ष हैं, तो बहुत सारे ऐसे रुद्राक्ष जो रेयर हैं, जो सस्ते मिलना इस पॉसिबल नहीं है। कुछ मिल रहा है तो कुछ घपला होगा, कोई अपनी जेब से तो लगा के आपको नहीं देगा। तो कैसे पता करें, जेन्युइन बायर से ही पता करें। अब ऐसा भी नहीं है कि महंगी चीज़ ही सही हो, मान सपोज़ करो कोई आपको गलत चीज़ दे रहा हो और वो महंगी है तो इसका मतलब वो ओरिजिनल है, नहीं। आपको लेना है रुद्राक्ष, धीरे धीरे जांच पड़ताल करें, उसके बाद उसको लें, कोई जल्दी भी नहीं है। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट है जो ये बेचती हैं, जैसे रुद्रा लाइफ है, रुद्राक्ष रत्ना है, और अपना हिमालयन वाले, ये बेचते हैं, लेकिन इनकी प्राइस ज़्यादा है। आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, और अगर आपको लगता है सही है, आप इनके व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी बात कर सकते हैं, आपको लगता है जेन्युइन है, आप प्राइस पे कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये आपको रियली देंगे, मुझे नहीं लगता ये आपको फेक देंगे। अब एट लास्ट बाई चांस आप भद्राक्ष ही पहन रहे हैं, गलती से आप भद्राक्ष ही धारण करके बैठे हैं, रुद्राक्ष नहीं है आपके पास, या फिर आपने गलती से ऐसा लगता है आपको कि वो भद्राक्ष है, तो कोई बात नहीं, जो आप पहन रहे हैं वो पहने, जब तक आप रुद्राक्ष नहीं ले लेते। देखो मैं मानता हूँ वो इन्फीरियर क्वालिटी है, पर इसको भी शिवपुराण में मेंशन किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू शिवपुराण ये कोई ख़तरनाक पॉइजनस नहीं है। देखो एक बात बोलूँ, इस दुनिया में पॉइजनस चीज़ भी कभी ना कभी काम आती है, हर चीज़ का महत्व है, कभी पॉइजनस चीज़ से ही पॉइजन कटता है, आपने सुना ही होगा, तो सब चीज़ें काम आती है, कोई पॉइजनस वगैरह नहीं है। लेकिन हाँ, रुद्राक्ष अगर आप चाह रहे हो तो उससे इन्फीरियर है वो भद्राक्ष, ये एक सिंपल पॉइंट है। जब तक आपको रुद्राक्ष नहीं मिलता ओरिजिनल, आप अपने जो पेन रखा है उसको पहने रखें, ठीक है। जो रुद्राक्ष है वो हायर लेवल पे काम करता है, उसकी जो एनर्जी है जल्दी से मतलब वो सोख कर सकते हैं आप, वो जल्दी आपके लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह जो भद्राक्ष है वो बहुत स्लो है, नीचे है, वो धीरे धीरे या फिर कुछ ही कुछ महीनों में, कुछ ज़्यादा महीनों में काम करेगा।
लेकिन जब तक आप नहीं लाते रियल रुद्राक्ष बाजार से, आप इसको पहने रखें। घबराने की कोई बात नहीं कि आपने अभी पहन लिया, उतार के फेंक दूँ मैं, क्या करूँ, घबराओ मत, पहने रखो जो पहन रखा है। जब तक आपको रियल नहीं मिलता, पहली बात तो मुझे नहीं लगता आप पता कर पाओगे कि आपने पहन कौन सा रखा है, वो तो बस आप थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो आप पॉइंट आउट कर सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का एक सिंपल बात थी कि ये पॉइंट्स हैं जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन फुल प्रूफ तरीके तो यही हैं कि आप जेन्युइन बायर से लो, ठीक है, उसके बाद आप एक्सरे खुद करवाओ उसका कि उसके कंपार्टमेंट कैसे हैं अंदर। जो फेक मिलने के चांसेस है वो रेयर रुद्राक्षों में होते हैं। अब जैसे पंचमुखी, चारमुखी, तीनमुखी ये आप लेते हो तो इसमें फेक मिलने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो बस यही था वीडियो। अगर आपको समझ में आया वीडियो तो लाइक कर दें इस चैनल को। अगर आपको कुछ मुझसे मिस हो गया और आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। चाहो तो आप इंस्टा पे भी मुझे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। और इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, राधे राधे, श्याम मिला दे, जय सिया राम, टेक केयर।